अभी कर रही है सरप्राइज। हेलो भाई, भी हम नीलम के लिए सरप्राइज ला रखे हैं, बर्थडे का नहीं पार्टी का। मनीषा बोलेगी। अच्छा मनीषा, मिनिमल क्या। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं प्लस नीलम बेस्ट, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 8:30 और अभी हम आए हैं मौसी और के घर पे। आज हम यहाँ पार्टी करने वाले हैं, मतलब हमने मैक्रोनी मंगा के रखी थी दिन में, तो अभी हम यहाँ मैक्रोनी बनाने वाले हैं। क्या बना रखे, मेरे को लगे थे कि खा ले, मेरे को तो पता चल रहा है अपना आलन खत्म कर रहे थे दिन का। अपनी सब्जियां खत्म कर रहे थे, तो यहाँ पे अभी शीतल और मीनू काफी सुंदर सुंदर बन के तैयार आ गए हैं, और कालू तो तैयार नहीं हुई पता नहीं क्यों। और फिलहाल अभी किचन में बन रही है मैक्रोनी और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टमाटर। तो ये लोग मेरे से पहले आ गए थे, तो इन्होंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी थी तब से। बस शीतल नाहन बोली लगा तो दोस्तों आज मीनू शीतल मौसी नहीं दे रही मुझे पार्टी। मुझे पार्टी दे रही है मीनू कालू शीतल और मौसी का, जो हम बना रहे हैं। तो फिलहाल पार्टी नहीं दे रही मीनू। मीनू कह रही है कि 10-10 रुपए सब देंगे। तो मीनू फिलहाल मेरे से पैसे मांगने वाली है, और यहाँ पे हम साबुदाना बना रहे हैं और इसमें शीतल नहीं बना रही, मीनू बना रही थी पहले। तो दोस्तों अभी हम सब घर से खाना खा के नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा मैक्रोनी बनाने का प्लान था, तो अभी बस मैक्रोनी थोड़ी देर में बनने ही वाली है। दोस्तों अभी यहाँ पे साबुदाने की खिचड़ी और मैक्रोनी, साबुदाने की खिचड़ी बन गई है और मैक्रोनी बन रही है, मीनू बना रही है। और ये 2-3 पैकेट तो मैगी मसाला लेके आई है, तो मैगी मसाला डाल रही और थोड़ी देर में बन के तैयार है। केवल मैं तो दोस्तों अभी मैक्रोनी बन चुकी थी और इन सब ने मेरे को किचन में साबुदाने की खिचड़ी लेने भेज दिया था। तो मैं बोलूँ कि हमने अभी कर रही है सरप्राइज। हेलो भाई, भी हम नीलम के लिए सरप्राइज ला रखे हैं, बर्थडे के बर्थडे का नहीं पार्टी का। मनीषा बोलेगी। मनीषा मिनिमल। दोस्तों अभी यहाँ पे मेरी बैचलर पार्टी कर रहे थे, तो ये मेरे लिए केक लाए थे जिसका मुझे कोई पता नहीं था। टाइम हम घर से आ रहे थे, तो इन्होंने बोला था कि कपड़े पहन लेना नए, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने इनसे पूछा भी था उस टाइम कि कपड़े क्यों पहने, तो इन्होंने बोला ऐसी फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो फिर मैंने कपड़े ले आई थी घर से। वीडियो कुछ बोल ले। थैंक यू, मुझे पता नहीं था कि इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज रखा है। मैं ऐसे ही यहाँ नीचे देख रही थी कि शायद क्या पता है केक लाए होंगे, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को उल्लू बना रहे हैं। मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि केक वेक का, तो पहले मैक्रोनी अगर आइडिया था, तो मुझे लगा कि हम ऐसी ही नॉर्मल सी पार्टी कर रहे हैं थोड़ा इंजॉय के लिए साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे केक आने के बाद हमने 2-4 फोटो खींची और फिर उसके बाद केक कट किया। तो दोस्तों कल मैं जा रही हूँ दिल्ली शॉपिंग करने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि शायद बाद में टाइम ना मिले शादी के टाइम पे। और यहाँ पे कालू और शीतल सोच रहे हैं कि मैं रोऊंगी, तो इसलिए मेरे को जबरदस्ती बोलने पे लगे थे रो मत ऐसे करके कि ताकि मैं रो जाऊं। ये देखिए रुक।
खाओ तो सबको केक खिलाने के बाद मीनू बची थी लास्ट में, जो मेरा ब्लॉग भी बना रही थी और सबकी फोटो क्लिक भी कर रही थी। तो दोस्तों मैंने ब्लॉग के बीच बीच में फ़ोटो भी ऐड कर दी है ताकि जब भी हम ब्लॉग देखें तो यादगार रहें हमें ये सारी चीज़ें। तो जब जिसने केक खिलाया है, जिस जिसकी जहाँ पर फ़ोटो है, मैंने सारी ऐड करी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने कह रही थी कि चलो खाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने मेरे मुँह पर यहाँ पर केक लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सुनने वाले नहीं हैं कि मैं बोलूँ और ये ना लगाएँ। तो दोस्तों अभी ये देखिए पार्टी केक कट चुका है और सभी लोगों ने अभी खाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो बोल रही हूँ मैं कब खाऊं। लेकिन या मौसी देखो जल्दी टेस्ट करो, कन बड़ी है सीतलन बंडी मिली तो बना रही मैं तो बड़े नहीं लगता ना क्या मीनू कन बंडी यम्मी यम्मी है। मौसी मौसी बताएंगे साबुदाने कैसे बनी है, बढ़िया बन रखी हूँ अभी बेकार बनी हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:30 और अभी हम सबके सब अभी एक साथ ही बैठे हैं। तो अभी मैंने पैकिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखी है, सारा सामान ऐसे ही फैला है। तो फिलहाल आज ही ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलता है आपको अगले ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद ना आएगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक ले बाय। अच्छा हाँ नीला ये बहुत याद आ गया। हाँ ये तो